अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तमकिनत मंसूर। रिसेंटली बहुत सारी डिबेट्स और तकरीबन लड़ाइयाँ मैंने देखी हैं ऑनलाइन एक मसले पे, कि क्योंकि बहुत सारी खवातीन जो हैं, जब आपको पता है पूरे मुल्क में फ्लड से बहुत सारी तबाहकारियाँ हो रही हैं एंड अबाउट 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर और बहुत बुरे हालात हैं। तो इस सब के दौरान बहुत सारे लोग जो हैं जो रिलीफ का काम कर रहे हैं, जो कि खाना पीना कपड़े पैसे और दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं वो फ्लड विक्टम्स के लिए भेज रहे हैं, उनको अरेंज कर रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट ड्राइव शुरू की काफ़ी सारी ख़वातीन ने, पीरियड या मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड आइटम्स, यानी कि पैड्स हैं, कॉटन है, वैसे आम कपड़ा है, पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है उसको रोकने की जो दवाइयां हैं और इस तरह की चीज़ें, उनके पैकेट्स बना के तो फ्लड जो अफेक्टेड एरियाज़ में ख़वातीन को सप्लाई करने के लिए। इसके ऊपर बहुत शोर गोगा हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसके हक़ में भी बात की और बहुत सारे लोगों ने इसके ख़िलाफ़ बात करनी शुरू कर दी कि भाई जबकि लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा, ब्ला ब्ला ब्ला, लोग बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो उनको प्रॉपर्ली नहीं प्रोवाइड की जा रही, वहाँ पे आपने जो है ना वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन की चीज़ों के ऊपर पैसा लगाना शुरू कर दिया है और वो लोगों को प्रोवाइड करनी शुरू कर दिया है। ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई थी, ऐसी भी कौन सी नेसेसिटी है जिसके बगैर ज़िंदा नहीं रहा जा सकता, और इस किस्म की हमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स मिले जो आर्ग्यूमेंट्स मोस्टली मर्दों की तरफ से आ रहे थे और उनको बहुत हार्शली भी टैकल किया गया। बहुत सारे मर्दों ने उनका साथ भी दिया कि हाँ जी मुल्क डूबा हुआ है, ये है वो है और आपको इन चीज़ों की पड़ी है। इसमें देखें, इस डिबेट से हमें बहुत हद तक इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि अ लॉट ऑफ मेन हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि पीरियड्स क्या होते हैं, क्योंकि प्राइमरीली हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में मेंस्ट्रुअल हेल्थ तो एक चले दूर की बात है, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करना एक बहुत बड़ा टैबू है, क्योंकि जब भी इस बारे में बात की जाती है, हम माहवारी के बारे में बात करते हैं, हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करते हैं, तो अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली गेट रियली ऑफेंडेड। लोग कहते हैं कि जी आप बेहयाई की बातें कर रहे हैं, आप बेगैरती को प्रमोट कर रहे हैं, आप बहुत जो है ना वो बदतमीज़ी की बातें कर रहे हैं और ये जो बातें हैं ये घरों में नहीं होनी चाहिए। और आप एक चीज़ है, और जब उन्हें कहा जाता है कि भाई हर औरत इस चीज़ से गुजरती है तो इसमें कौन सी इसमें ऐसा कौन सा मसला है, तो आगे से कहा जाता है कि भाई हर बंदा वॉशरूम भी जाता है, वो पेशाब पखाना भी करता है, तो वो आज लोगों के सामने क्यों नहीं किया जाता, और इस तरह की कई सारी बातें, भौंडी किस्म की दलीलें आपको सुनने को मिलती हैं कि नहीं जी ये जो बातें हैं ये औरतों के अपने दरमियान में होने चाहिए, मर्दों के सामने नहीं होनी चाहिए, इनको ओपनली ना किया जाए क्योंकि ये बेहयाई प्रमोट करती हैं। अब दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे यहाँ इन चीज़ों के बारे में कभी बात की ही नहीं गई, सो अ लॉट ऑफ मेन हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि हाउ डू पीरियड्स वर्क, मतलब उनको इस बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि जब मैंने बहुत सारी ट्वीट्स देखी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े, तो आई रियलाइज्ड कि अ लॉट ऑफ मेन हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया हाउ पीरियड्स वर्क। जैसे कि एक साहब ने लिखा हुआ था कि इस वक्त खाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ब्लड का एक स्टेन इम्पॉर्टेंट है, कि अगर एक स्टेन लगा भी रहेगा एक औरत के कपड़ों पे तो इसमें कौन सा इतना अजाब आ जाता है। द थिंग इज़ कि व्हाट अ लॉट ऑफ मेन डोंट अंडरस्टैंड इज़ दैट इट्स नॉट जस्ट अ स्टेन। पीरियड्स हर औरत के लिए डिफरेंट होते हैं, सम वेमेन ब्लीड सो मच, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट कि भाई मैंने कहीं सुना है, आई हैव सीन इट विद माय ओन आईज बिकॉज आई वर्कड, आई एम अ डॉक्टर, आई वर्कड इन गायनेकोलॉजी फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। औरतें कई दफ़ा इतना ज़्यादा ब्लीड करती हैं कि लिटरली वो बेड शीट्स रोल करके रखती हैं और उन वो भी सोक हो जाती हैं फुली, और ये तो हम एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहे हैं। नॉर्मली इन नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन आपके पहले दूसरे या इवन तीसरे दिन भी कुछ खवातीन दे ब्लीड सो मच दैट अगर आप उठ के खड़े हों और आपने पैड ना रखा हुआ या आपने कोई कपड़ा ना रखा हुआ हो तो वो जो ब्लड है इट ड्रिप्स डाउन योर लेग्स, इट कैन इट मतलब लिटरली वो बह रहा होता है ज़मीन के ऊपर, फर्श के ऊपर, आप सोते हैं तो वो आपके बिस्तर तक को स्टेन कर देता है। इट देर इज़ अ ब्लड फ्लो, दो तीन छींटे नहीं होते, द ब्लड एक्चुअली फ्लोज फॉर अबाउट अ वीक, एंड द थिंग दैट
कि ये इतना बड़ा टैबू अभी तक हमारी सोसाइटी में है, हालांकि ऑल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वेमेन एक सर्टेन एज के ऊपर जाके दे स्टार्ट टू मेंस्ट्रुएट, और उस दौरान में वो तकरीबन एक हफ्ते तक उनके जिस्म से ये खून निकलता है और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। इस चीज़ के बारे में ये तकरीबन तमाम ख़वातीन अपनी ज़िंदगी के 40 से 50 साल तक मतलब इसमें से गुजरती हैं, एंड स्टिल इट्स सच अ ह्यूज टैबू कि इसके बारे में बात ही नहीं की जाती, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि व्हाट मेंस्ट्रुएशन इज़। और यही वजह है कि लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि औरतों के लिए ये बेसिक नेसेसिटी है कि उनके पास प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोडक्ट्स हों। बहुत सारी हमारी ख़वातीन पैड्स इस्तेमाल नहीं करती, जो प्रॉपर जो ऑलवेज़ वगैरह के जो पैड्स होते हैं वो कपड़ा और गौज़ इस्तेमाल करती हैं या कॉटन इस्तेमाल करती हैं या सिर्फ कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, बट दे स्टिल नीड यू नो समथिंग टू पुट बिटवीन देयर लेग्स। आई एम गोइंग टू बी रियली ओपन अबाउट इट बिकॉज पीपल रियली नीड टू नो, दे नीड समथिंग ताकि वो जो ब्लड है वो वहाँ पे कलेक्ट हो और इट डज़ नॉट रन डाउन देयर लेग्स और वो ज़मीन के ऊपर लकीरें ना उसकी बन रही हों। सो पहली बात तो ये है कि जी मेंस्ट्रुअल ब्लड इज़ नॉट जस्ट अ फ्यू स्टेन्स, मेंस्ट्रुअल ब्लड एक्चुअली फ्लोज, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लड, ठीक है, एंड इट वेरीज़ फ्रॉम वेमेन टू वेमेन। कुछ औरतों को इस कदर शदीद तकलीफ़ होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान कि दे आर कम्प्लीटली इनकेपेसिटेटेड, वो उठ नहीं सकती, वो वॉशरूम नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है, वो कोई भी आम काम अपनी रूटीन का नहीं कर सकती क्योंकि इसमें इस कदर उनको पेन फील होती है इस दौरान में। कुछ को साथ हेडेक शुरू हो जाती है, कुछ को नौजिया शुरू हो जाता है, कुछ जो हैं उनको और सिम्टम्स होते हैं, उनको एक्नी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। ये एक पूरा एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल गेम है, और जिन ख्वातीन को पीरियड्स होते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि ये कई दफ़ा किस कदर इनकैपेसिटेटिंग हो जाता है कि आप ज़िंदगी के आम काम नहीं कर सकते बिकॉज इट्स पेनफुल, बिकॉज इट्स अनकम्फर्टेबल। खैर ये एक अलग बहस है। अब बात आती है कि फ्लड इफ़ेक्टेड एरियाज़ में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोडक्ट्स फराहम करना इतना ज़रूरी क्यों है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लोग ये नहीं समझ रहे, जैसे एक साहब ने ये भी कहा कि अच्छा मुझे नहीं पता था कि हालात इतने ख़राब हैं कि लोगों के पास मेंस्ट्रुएशन से डील करने के भी चीज़ें नहीं हैं। आप मेरी बात सुने, लोगों के पूरे पूरे घर इस वक्त पानी के अंदर हैं, पूरे पूरे घर और घरों में जितना सामान था, लिटरली लोग मर गए हैं इन पानी के रेलों के अंदर बह के। सो ऐसे हालात में लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास अपने इस्तेमाल की चीज़ें नहीं है, उनके पास एक एक उनके जिस्म के ऊपर कपड़ा है। अ लॉट ऑफ पीपल उनके ये हालात हैं कि उनके पास सिर्फ वो कपड़े जो उन्होंने अपने जिस्म के ऊपर पहने हुए हैं वो भी भीग चुके हैं, और वो घर बार सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए सड़कों के ऊपर सो रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर सड़कें भी नहीं हैं, अपने घरों से बहुत दूर आबादियां जो हैं खुले में उनको टेंट लगा के वहां पे रहना पड़ रहा है। ऐसे में जब आपके पास पहनने के लिए स्पेयर कपड़े नहीं हैं तो आपके पास मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स हों, कुछ भी हो, दुनिया तबाह हो रही हो, क़यामत आ रही हो, जो आपकी बॉडी का एक साइकिल चलना है, महीने में कम अज़ कम एक बार ख़वातीन को पीरियड्स आते हैं, कुछ को इससे ज़्यादा बार भी आ जाते हैं क्योंकि कोई ना कोई हार्मोनल इम्बेलेंस चल रहा होता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स इस सबको कंट्रोल करते हैं, तो जिन खवातीन का वो इशू चल रहा है। दूसरी बात ये है कि ऐसी सिचुएशन में आपके पास खाने को जब कुछ नहीं है तो आपके पास मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगे। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है इट कंसिस्ट ऑफ वेमेन जो प्यूबर्टी हिट कर चुकी हैं, जिनको पीरियड्स हो रहे हैं। अब आप देखिए, ब्लड इज़ एन एक्सेलेंट मीडियम फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो, यानी कि ब्लड के अंदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है। जब तक ब्लड हमारी बॉडी के अंदर है बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि इस बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए रोक रहे हैं, लेकिन खून कहीं भी इकट्ठा होगा बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा मीडियम है, बैक्टीरिया वहाँ फटाफट ग्रो करते हैं। अब आप इमेजिन करें एक औरत है जो ऐसे फ्लड इफेक्टेड एरिया में है, वो उसके पास कोई मीन्स नहीं है, उन लोगों के पास नहाने धोने को प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है जिनको वो इस्तेमाल कर सकें, वो नहा नहीं सकते क्योंकि इतनी प्रोविज़न नहीं है, उनके पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं हैं, वो चेंज नहीं कर पाते, और वो क्रैम्ड अप हैं छोटे से टेंट में, पूरी की पूरी जो फैमिली है
वो रह रही है। इस दौरान अगर एक औरत को पीरियड्स हो जाते हैं और ऐसे सिचुएशन में आपको बताया है कि जगह जगह पे पानी जहाँ पे इकट्ठा हुआ हुआ है, जहाँ पे गंदगी के हालात हैं, जहाँ पे आपके पास प्रॉपर जिंदा रहने के सिविलाइज सोसाइटीज़ में जो हमारे पास प्रोविजंस होती हैं वो नहीं है बिकॉज ऑफ सच अ ह्यूज डिज़ास्टर, वहाँ पर डिजीज़ कितनी कॉमन हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन कितने कॉमन होंगे। ऐसी हालत में एक औरत को पीरियड्स हो जाते हैं, पीरियड स्टार्ट हो गए, नाउ शी हैज स्टार्टेड टू ब्लीड, ओके, द ब्लड इज सोकिंग हर क्लोथ, उसके कपड़े खून से भीगे हुए हैं, वो खून वो जिस टेंट में है जिस जगह पे है वहाँ वो नीचे बह रहा है बिकॉज शी हैज़ नो पैड एंड शी हैज़ नो क्लॉथ और नो कॉटन रखने के लिए, उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक दिन नहीं हो रहा, ये दो दिन नहीं हो रहा, ये एक ऑलमोस्ट वीक ये सारा सिलसिला चल रहा है, वो कपड़े चेंज नहीं कर सक रही, वो बार बार अपने आप को वॉश करने के लिए किसी प्रॉपर वॉशरूम में नहीं जा सकती, वो नहा नहीं सकती, उसके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ सामान नहीं है। ऐसे में वही ब्लड जो मुसलसल उसकी बॉडी में से निकल रहा है, जब उसके कपड़े सारे सोख हो जाएंगे, पहले तो इट्स सो अनकम्फर्टेबल, जो वाहिद कपड़े उसके ऊपर हैं वो भी गंदे हो चुके हैं। सेकेंडरीली वो जहाँ बैठ रही है, जहाँ उठ रही है, जहाँ लेट रही है, हर जगह वो ब्लड जा रहा है, वो लग रहा है। तो हाउ आई मीन कैन यू इवन बिगिन टू इमेजिन कि क्या सिचुएशन हुई हुई है। और अगर एक जगह पे एक से ज़्यादा ख़वातीन है, उसके बाद वो जो ब्लड है इट इज़ गोइंग टू सर्व एज अ मीडियम फॉर ऑल द बैक्टीरिया टू ग्रो ऑन हर बॉडी, देन गो इनसाइड ऑफ हर बॉडी, ऑन हर क्लोथ्स, जहाँ जहाँ वो बैठी है वहाँ हर जगह पर। तो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, अ वुमेन कैन पोटेंशली डाई बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। बहुत सारे, इट्स नॉट जस्ट वेमेन, अगर आदमियों में भी कोई इस तरह का इशू, इन्फेक्शियस डिजीज़ से लोग अभी तक सिविलाइज मुल्कों में भी मरते हैं जबकि एंटीबायोटिक्स वगैरह सब कुछ ईजाद हो चुकी हैं। आप सोचें, एक फ्लड अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे इतने बुरे हालात हैं कि लोग यहाँ यहाँ तक पानी में डूबे हुए हैं, वहाँ पे समबडी हु जो अपनी जान बचा के कहीं चला गया, उसको पीरियड्स हो गए हैं, उसको मेंसेस उसके स्टार्ट हो गए हैं, इट दैट वुमेन इज गोइंग टू बी द ईजीएस्ट टारगेट फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपकी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, खाने को ऑलरेडी कुछ नहीं है कि आप उस इम्यूनिटी को जो है ना वो रीबिल्ड कर सकें। सो दैट वुमेन इज गोइंग टू बी अ प्राइमरी विक्टिम ऑफ दैट काइंड ऑफ इन्फेक्शन एंड शी कैन पोटेंशली डाई, क्योंकि मेडिकल सपोर्ट वहाँ पे उस तरह से अवेलेबल नहीं है जितनी आम हालात में अवेलेबल होती है। सो दिस इज़, जब लोग ये कहते हैं ना कि ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है, भाई औरतों के लिए ये बेसिक नेसेसिटी है, बिकॉज लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन मींस एंड ट्रांसलेट्स इनटू अ लॉट ऑफ वीमेन गेटिंग सवेयर इन्फेक्शंस जिनसे उनकी मौत भी हो सकती है। और अगर मौत ना भी हो, एक बंदी आप सोचें ऐसे हालात में जिसने बच्चों को भी संभालना है, जिसने और बहुत कुछ करने हैं, शी कैन गेट सिवियरली सिक, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो सकती है। इसके अलावा आप डिस्कम्फर्ट चेक करें, आदमी औरत हर तरह से आप सोचें कि आपके जिस्म में से खून बह रहा है और आपके पास उसको, मतलब कम से कम इतना आपके पास कोई आसरा कोई सहारा नहीं है कि आप वहाँ पे कोई थोड़ी सी चीज़ रख के उसको उधर कंटेन कर लें। ऐसी आप अपने आप को इस सिचुएशन में डाल के देखें, चाहे आप मर्द हैं या आप औरत हैं। तो ये कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़रूरी हैं हमारे यहाँ हमारे माशरे में, कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन है क्या, क्योंकि इट्स सच अ ह्यूज टैबू। और अगर पता भी है तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी उनके पास खाना नहीं है, उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है और आपको मेंसेस की पड़ी हुई है, उन लोगों के लिए मेरी बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है कि औरतों के लिए जिनको ज़िंदगी में प्यूबर्टी हिट करने के बाद हर महीने कम से कम एक बार मेंसेस होने और उन्हें सबसे गुजरना है, हजूरे वाला उनके लिए ये नेसेसिटी है, उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनको पैड्स प्रोवाइड किए जाएं या कॉटन प्रोवाइड की जाए या कोई कपड़ा एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाए जिसको वो इस्तेमाल कर सकें। ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी फैमिलीज़ के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो ब्लड सिर्फ एक जगह इतना सा वो खून नहीं होगा या तीन चार छींटे नहीं होंगे, जो अगर हल्का सा स्टेन लग जाए तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होता,
द ब्लड एक्चुअली फ्लोज, वो बाकायदा बह रहा होता है और वो सिर्फ औरत के जिस्म के साथ ही नहीं लग रहा होता, वो बह के नीचे भी जा सकता है जहाँ वो उठ बैठ रही है, उन सब जगहों पे लग रहा होता है। तो प्लीज़ देखें, एक इशू है, अगर आपको नहीं पता किसी चीज़ के बारे में आप पूछ लें। अगर औरतें आपको नज़र आ रही हैं कि वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोडक्ट्स इकट्ठे कर रही हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि यार व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, जो आप बजाय इसके कि आप अपनी माहिराना राय उधर पेश करें, आप पूछ लें, आप कहें कि आई वांट टू गेट एजुकेटेड, आप प्लीज़ मुझे बता सकती हैं कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। मतलब क्योंकि इतनी सारी ख़वातीन अगर इसके ऊपर ज़ोर दे रही हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोडक्ट्स जो है ना वो सैलाब ज़िदान तक पहुंचाने चाहिए, तो ये इतना ज़रूरी क्यों है, आप तमीज़ से पूछें। आपको कोई ना कोई खातून ऐसी होंगी जो कि तमीज़ से जवाब दे देंगी, लेकिन क्योंकि आदमी इतनी मोस्टली जो मर्द हजरात हैं जिनको वाकई में नहीं पता कि ये क्यों ज़रूरी है, वो इतने इतनी अथॉरिटी से बात करते हैं, इतनी एंटाइटलमेंट से बात करते हैं कि जैसे उनको सब पता है, जैसे उन्हें पूरी ज़िंदगी पीरियड्स होते रहे हैं और उन्हें अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और ये पैसे का ज़िया हो रहा है और डोनेशन मनी का ज़िया हो रहा है। तो जब आप इस तरह से बात करेंगे ना, तो आपको आगे से जवाब भी उसी तरह का मिलेगा। अगर आप वाकई नहीं समझते, अगर आपको नहीं पता इसकी इंपॉर्टेंस का, तो आप किसी से क्या, आप ऑनलाइन ना पूछें, आप घर में आपकी माँ बहन बेटियाँ होंगी, आप उनसे पूछ लें, आप उनसे कहें कि ये इकट्ठी कर रही हैं ये चीज़ें खवातीन, तो ये इतनी ज़रूरी क्यों है, वो आपको बता देंगी। लेकिन यही तो मसला है कि हमारे घरों में ये कॉन्वर्सेशंस क्योंकि होती ही नहीं है, तो आप बंदा किससे पूछे, आप गूगल कर लें ना, कॉन्वर्सेशन होती है, ये टॉपिक्स पढ़ाए नहीं जाते कि ये बेहयाई प्रमोट कर रहे हैं, वो निकाल दिए जाते हैं टॉपिक्स, हमारे मोस्टली टीचर्स नहीं पढ़ाते प्रॉपरली इस बारे में, बात करने से जो है ना वो घबरा रहे होते हैं। तो भाई इसमें ये सबसे बड़ा मसला है मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि ये इतना ज़रूरी क्यों है, और वो मोस्टली दे डोंट कम फ्रॉम अ प्लेस, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कोई नफ़रत या कोई औरतों के खिलाफ किसी एजेंडे से आगे आ रहे हैं, नहीं, हर बंदा, मेरा ये ख्याल है कि अपनी अपनी अकल समझ और अपनी सोच के मुताबिक जो है ना वो इस पे बात कर रहा है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि असल में होता क्या है मेंस्ट्रुएशन में। और क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, तो आपने पूछना नहीं है, आपने बस सीधा एनालिस्ट बन के सबसे बड़ा उस चीज़ के बारे में जो है ना वो एक्सपर्ट बन के राय ज़रूर दे देनी है। तो ये भी एक इशू है जिसकी वजह से लोग बगैर सोचे समझे, विदाउट एनी आइडिया के हाउ डज़ इट वर्क और व्हाट मेंस्ट्रुएशन रियली इज़ एंड हाउ इम्पॉर्टेंट मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स आर, लोग सिर्फ एक वो जो कहते हैं ना इसको वड्डो बनाने के लिए अपनी, या सिर्फ एक वो चल बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कि एक कॉन्वर्सेशन हो रही है तो उसमें कोई ना कोई पार्ट मैंने ज़रूर प्ले करना है, मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर बोलना है, तो बोलते चले जा रहे हैं। तो पहले तो अभी भी इन 2022 वी स्टिल हैव टू टीच पीपल अबाउट मेंस्ट्रुएशन के वो होती क्या है, जबकि बहुत सारे मुल्कों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करना शुरू हो गई है, क्योंकि दे कंसिडर इट अ बेसिक नेसेसिटी के ये लोगों के पास होने चाहिए। और अभी भी उसमें जो है ना वो हमारा बेसिक मसला ये है कि हम लोगों को यहाँ पे आइडिया ही नहीं है कि ये है क्या, जबकि बहुत सारे मुल्कों में ये फ्रीली अवेलेबल हैं ये चीज़ें। दूसरी बात ये है कि सिंस बहुत सारे मर्दों को इस बात का आइडिया है ही नहीं, तो जाहिर बात है वो उनको यही लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है। अब इसमें बहुत सारी खवातीन और बहुत सारे मर्दों ने आके मतलब इस बात को समझाने की कोशिश भी की है, और लेकिन मोस्टली वो कॉन्वर्सेशन में मसला ये होता है कि अगला बंदा इतने गुस्से से जवाब दे रहा होता है और अगले बंदे की बेइज्जती करने को फौरन उसके मुंह को आ जाता है, कि वो एक लड़ाई बन जाती है, बजाय इसके कि वो एक तमीज़दार कोई कॉन्वर्सेशन हो जिसमें अगले को समझाया जाए कि भाई ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये होता है और ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इट कैन पोटेंशली किल वेमेन। और औरतें अभी भी बहुत सारे, अगर फ्लड इफेक्टेड एरियाज ना भी हों, तो भी बहुत सारे दूर दराज के इलाके जहाँ पे औरतें
कपड़ा इस्तेमाल करती हैं और वो उसको प्रॉपरली वॉश नहीं करती हैं, और उसमें भी औरतों को कई दफ़ा इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और इन सब चीज़ों से औरतें वैसे भी आम हालात में भी बहुत सी औरतें शदीद बीमार भी हो जाती हैं और मर भी जाती हैं। तो अब आप एक फ्लड इफेक्टेड एरिया के बारे में सोच लें कि वहाँ पर क्या हालात होंगे। तो एजुकेट करें अपने आप को, बजाय इसके कि आप हर कॉन्वर्सेशन के अंदर उड़ता हुआ तीर लेके जो है ना वो अपनी बेइज्जती करवा लें। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको नहीं भी लगता कि ये ज़रूरी है, आप किसी और तरह हेल्प कर लें। आप डोनेट करें खाने के लिए, आप डोनेट करें टेंट्स के लिए, आप डोनेट करें कपड़े, आप से जो कुछ हो रहा है आप करें। आप अपने तौर पर जो चीज़ आपको लग रहा है ना कि ज़रूरी है, आप वो लोगों को प्रोवाइड करें। आप ये बहस छोड़ दें कि कोई और बंदा अपने पल्ले से अपने पैसों से किसी के लिए क्या कर रहा है। कोई आपके घर आके ज़बरदस्ती तो नहीं ना आपसे चंदा ले रहा कि भाई ज़बरदस्ती पैसे निकालो हमने औरतों के लिए पैड्स खरीदने, क्या कोई कर रहा है? तो जो अपने पैसों से पैड्स डोनेट कर रहा है उसको वो करने दें। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है तो आप खाना पीना डोनेट कर दें, आप कपड़े डोनेट कर दें, आप और किसी तरह हेल्प कर दें। लेकिन इस वक्त ज़रूरी है कि आप हेल्प करें, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने की बजाय और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय और ये बताने की बजाय कि नहीं जी तुम जो बकवास कर रहे हो और तुम गलत कर रहे हो और तुम्हें यूँ नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के को छोड़ के आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करें कि आपसे जो हो सकता है ना आप वो करें। आपको लग रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त खाना है, आप खाना डोनेट करें। आपको लग रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पैसे डोनेट करना है, आप वो करें। आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेंट है, आप वो करें। पानी है वो करें, आपको जो लग रहा है आप करें। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो वहाँ जा रहे हैं हेल्प करें। वो साथ साथ लोगों को, जहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो दे आर एक्चुअली प्लेइंग म्यूज़िक एंड देर के भाई चलो ये इतने स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो इनको ये भी रिलीफ दे दें। वो रिलीफ का दूसरा काम भी कर रहे हैं और वहाँ जाके परफॉर्म भी कर रहे हैं कि चलो लोग थोड़ा सा मेंटली इस सबसे निकलें। आई थिंक इट्स एन एक्सेलेंट वे, जिसके पास जो है वो दे रहा है। आज एक वीडियो मैंने देखी एक बच्चे की, एंड इट एक्चुअली मेड मी फील रियली आई डोंट नो, इट ब्रोक माय हार्ट कि हमारे यहाँ बच्चे इतनी मुश्किल हालात में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। कि वो बच्चा बूट पॉलिश करता है और उसके पास अगर 60 रुपये इकट्ठे होते हैं तो वो उसमें से 5 या 10 रुपये जाके चंदे में जमा करा रहा है, और हम इन बातों में लगे हुए हैं कि तुम पैड्स क्यों दे रहे हो और तुम ये क्यों दे रहे हो और तुम भुने हुए चने दे रहे हो और तुम जूस दे रहे हो। ये भाई निकल आए इन चीज़ों में से। अगर कोई पैड्स दे रहा है उसको पैड्स देने दें, वो आपके पल्ले से नहीं दे रहा। कोई खाना दे रहा है उसको खाना देने दें। आपको जो चीज़ इम्पॉर्टेंट लगती है आप इस वक्त वो करें प्लीज़। और आई डू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि अभी ट्विटर पे थोड़ी देर पहले व्हेन आई ट्वीटेड तो अ फ्यू पीपल एक्चुअली केम अप इन द सेट कि हमें पता ही नहीं था इस बारे में, एंड आई स्टैंड करेक्टेड। उन्होंने मान लिया कि हाँ जी हमें नहीं आइडिया था कि ऐसे होता है, तो इसलिए हमने ये बातें की। अब आपने हमें बताया तो हमें समझ आ गई है। तो आई एम नॉट सेइंग के मेन हु आर सेइंग इट वो कोई बहुत ही घटिया इंसान है जो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं या वो औरतों से नफरत करते हैं। भाई उनको पता ही नहीं है, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन कभी होने ही नहीं दी, लोगों को आइडिया ही नहीं है। तो ठीक है भाई, जिस तरह आपको लग रहा है आप उस तरह से हेल्प करें, लेकिन ये कहना कि ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग बीइंग अ वुमन एंड you know knowing so many women in my entire life, मैं आपको ये अपने ईमान से कह रही हूँ कि माहवारी के दौरान इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स औरतों के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ में आते हैं, क्योंकि उनके बग़ैर एक औरत आम हालात में अपने घर में रहते हुए जहाँ उसके पास टॉयलेट है, शावर है, कपड़े हैं चेंज करने के लिए, तब भी इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि वो बगैर पैड या कॉटन या कपड़े के वो 7-8 दिन गुजारे। तो एक फ्लड इफेक्टेड एरिया के अंदर ऐसी औरत जिसके पास और कोई मीन्स नहीं है, आप बेसिकली उसको सवेयर इन्फेक्शन, सवेयर एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल डिस्कम्फर्ट और इवन मौत तक ये चीज़ लेके जा सकती है कि अगर उसके पास अपने आप को मेंस्ट्रुएशन के दौरान संभालने की चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। एंड पैड्स आर इवन बेटर इस हालात में, एक तो उनकी क्योंकि सोकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है,
तो वो ज़्यादा देर के लिए कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो ख़वातीन कपड़ा यूज़ कर रही हैं, वो कपड़ा बार बार कहाँ जाके धोएंगी, उसको कहाँ सुखाएंगी, उसको दोबारा रोल करके रखेंगी, फिर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। पैड्स आर इम्पॉर्टेंट इस वक्त, और अगर वो अवेलेबल नहीं है, जो औरतें वो यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो कॉटन है, कॉटन को रोल करने के लिए गौज़ है, कपड़ा है, कुछ भी है, जो पूरी पूरी किट्स भी तैयार हो रही हैं उनमें अक्सर में पैड्स हैं। पैड्स के साथ साथ कोई ना कोई पेन किलर दिया गया है, अगर जिनको सवेयर डिस्कम्फर्ट होता है वो उस वक्त ले सकती हैं। कॉटन रोल है, कपड़ा है, अंडरवेयर हैं, पैंटीज, और साथ में एक्स्ट्रा गौज है जिससे वो उसको कॉटन को लपेट के इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये अक्सर जो किट्स बना रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की हैं। जो ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ जो पैड्स हैं वो दे रही हैं। बहुत सारी कंपनीज पैड्स बनाने वाली पैड्स डोनेट भी कर रही हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़। प्लीज़ आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की बजाय आप लोग अपने अपने तौर पर अपने तई रिलीफ का काम करने पर ध्यान दें। और मेरे ख्याल से एक चीज़ जो औरतों के साथ हो रही है, उसके ऊपर औरतों को ही एक्सपर्ट मान लें। आप ये मान लें कि अगर औरतें कह रही हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी होंगे, बिकॉज़ दे हैव बिन मेंस्ट्रुएटिंग ऑल देयर लाइव्स। और अगर आपको नहीं पता, तो प्लीज़ आप इस बारे में अपने आप को एजुकेट करें। और जिन लोगों को आपको लग रहा है कि वो इस तरह के डिबेट्स में इंगेज कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप उनको सिविल तरीके से जवाब दे दें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। और अगर नहीं कोई समझता, तो यार डिलीट और ब्लॉक करो और अपना काम करो। इस वक्त डोनेशंस की और हेल्प करने की ज़रूरत है, लड़ाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे दैट ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू डू वट एवर दैट दे कैन, जिस भी तरीके से हो सकता है हेल्प करने की। लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोगों में चैरिटी का, डोनेशन की, इस सब की बहुत स्पिरिट है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग एक्सट्रीमली एक्सेलेंट ब्रिलियंट वर्क, एंड दुआएं हैं बहुत सारी, बहुत सारी एफर्ट है। जिस भी तरीके से हो सकता है, जहाँ से भी, जिस हद तक आपसे हो सकता है, आप प्लीज़ करें एक दूसरे को की हेल्प करने की, एक दूसरे को बिल्ड करने की कोशिश करें। और बस यही दुआ है कि इस तकलीफ़ से जल्द हमारी कौम निकल आए, और जहाँ जिस हद तक हम कर सकते हैं, हम लोगों की हेल्प करें जितना भी हमसे हो सकता है। तो आई होप, विश एंड प्रे के ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड दैट यू आर बीइंग हेल्प्ड। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप तक हेल्प पहुंच रही है, और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो आप हेल्प कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल दैट आई हैड टू से। सो प्लीज़ स्टे सेफ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, एंड गॉड ब्लेस। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Cannot believe.